तो अभी हम पहुंच चुके हैं, स्कूटी हमने पार्किंग में लगा दी है। तो ये हमारी फ्रेंड है स्नेहल। तो भाई हेलो एवरीवन, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है तोमर एंड पवी ट्रैवल में। मैं हूँ पवी चौधरी और मेरे साथ हैं, और मैं हूँ शुभम तोमर। तो आज हम हैं पुणे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, हम पुणे आए हुए हैं। सो पुणे के अंदर सबसे एक फेमस मंदिर है स्वामीनारायण मंदिर। आज की वीडियो स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर है। हम आपको दिखाएंगे कि पुणे के अंदर ये प्रसिद्ध मंदिर क्यों है, क्या इसकी खासियत है। सो चलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी है लूसीफर, हमने इसको नाम दिया है लूसीफर। लूसीफर स्टार्ट नहीं हो रही। चल कोई बात नहीं, किक मार, कोई बात नहीं, इससे प्यार से बात कर। वाह भाई, चाबी स्टार्ट नहीं करी इसने। ये तो खतरनाक गुरु है भाई, ये खतरनाक है। सो चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि स्वामीनारायण मंदिर लगभग यहाँ से 15 से 20 मिनट बाय स्कूटी से पहुंच जाते हैं। सो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत मजेदार होने वाला है कसम से, देखिए आप आगे आगे। और ये रहा सामने वो मंदिर। लगभग हम 12 से 13 मिनट में पहुंच गए, क्योंकि पवी भाई हैवी ड्राइवर हमारे साथ हैं। अभी पवी भाई ने मोड़ पे एक ट्रक के नीचे दे दी थी। अरे हाँ, ऐसी मोड़ी भाई साहब, ऐसा निकाल दिया फुरा टाइप। ऐसा निकाल दिया क्या, वहां से कोई और ही निकालता हमें। ये रहा सामने। वैसे तो अभी पहुंच गए हैं मंदिर पे, लेकिन हम अपने पुणे गाइड का वेट कर रहे हैं। तो भाई ये तो आ गया, देखो वो अजूबा आ रहा है भाई, ये अजूबा है। अजूबा बहुत, बस क्या बताऊं, अभी देखना आप क्या अजूबा है। 15 मिनट वेट करने के बाद ये पहुंच गए हैं यहाँ पे, और इनकी स्कूटी बंद हो गई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, स्कूटी हमने पार्किंग में लगा दी है। तो ये हमारी फ्रेंड है स्नेहल, और इनके जो कपड़े हैं बड़े अजीब है यार, हम कंफ्यूज हो गए देख के। ऐसे तो बहुत ज्यादा मंदिर में भाई पहुंच चुके हैं। अभी हम शुभम और स्नेहल आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया नजारा है, एकदम खूबसूरत। कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, सूरज चमक रहा है ऊपर मंदिर के। और ये इधर छोटे छोटे स्तंभ बनाए हैं बैठने के, बहुत अच्छी कारीगरी की है भाई। और ये यहाँ शुभम है, देखिए। वैसे मंदिर बहुत सुंदर है, और जो यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट है ना, जो ये छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, इट्स अमेजिंग व्यू। एंड अंदर मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो सिर्फ हम आपको बाहर का व्यू दिखा सकते हैं, बाकी देखिए। चलिए spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. ये देखो भाई, सुंदरता यहाँ की। अभी इवनिंग का टाइम है लगभग 4 से 5, और मंदिर की सुंदरता आपको देखने से ही बनती है। सो वैसे तो मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके स्वामी जी से परमिशन मांगा है कि हम उनके पास जाके मंदिर में वीडियोग्राफी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये बोल रहे कि हाथों से बनाया यार, पूरा पत्थर का बनाया यार ये। भाई पवी, ये पिंक स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। ये सारा फ्रेम पिंक स्टोन से बना हुआ है, और इन्होंने बताया जैसे कि ये सारा हाथों के द्वारा बनाया हुआ है। सो यार यहाँ की डिजाइन देखो, कितना बारीक काम है। और इसीलिए तो बोलते हैं मेरा भारत मान, क्योंकि भारत में आज भी ऐसे कारीगर हैं जो ऐसा आलीशान सुंदर मंदिर बना सकते हैं। ग्रेट, इज ब्यूटीफुल। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है जो हाथों से बनाया हुआ, ऐसे लगभग इन्होंने बताया कि 500 से 600 मंदिर हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो सभी पिंक स्टोन से, जिसमें दिल्ली का अक्षरधाम और अराउंड द वर्ल्ड ऐसे मंदिर हैं जो हाथों के द्वारा बने गए हैं, और इसमें मेटल। Oh,
तो अभी मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। हमें स्पेशल परमिशन से यहाँ बाहर की वीडियोग्राफी की परमिशन मिली है, लेकिन अभी भी मंदिर के अंदर हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ के महाराज जी से बात हुई, उन्होंने मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात ये, इस मंदिर का निर्माण 2015 में स्टार्ट हुआ था, जो 2017 के फरवरी में ख़त्म हो गया था। 19 फरवरी को इस मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे। दूसरी बात, ये पूरा मंदिर पिंक स्टोन से बना हुआ है, इसमें कोई भी मेटल का यूज़ नहीं हुआ। फाउंडेशन के बाद पूरा स्टोन से बना हुआ है, जो लोक स्टोन होते हैं उनसे बना हुआ है। एंड तीसरी बात, इस मंदिर के स्टोन को ऐसे लोक विजन से बनाया हुआ है कि अगर इन ए फ्यूचर इस मंदिर को अगर डिसमेंटल करना पड़ जाए तो सिर्फ मंदिर के ऊपर कोई चाबी है, उस चाबी को खोल के ये पूरा मंदिर एक बार के में ही डिसमेंटल हो सकता है, यानी कि इस पूरे मंदिर को एक साथ खोला जा सकता है। आज तक पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक बार हुआ है। कोलकाता के अंदर एक मंदिर था, उसके फाउंडेशन में पानी चला गया था, उसके बाद उसको एक चाबी से डिसमेंटल करके दोबारा से बनाया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये तथ्य इस मंदिर के बारे में पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सो चलिए। सुनहल आ गए हैं मंदिर के दर्शन करके अंदर से। सो मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ, मंदिर जितना बाहर से सुंदर है ना, उस अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर है। हमें परमिशन नहीं थी वीडियोग्राफी अंदर करने की, लेकिन जो अंदर का दृश्य है ना, मतलब वो आप आंखों में बसा सकते हो, कभी नहीं भूलेंगे। और जितना भी सनसेट हो रहा है ना, मंदिर और भी खूबसूरत हो रहा है। और तो तेरे फोटो खींचो, एक घंटा हो गया यार, तुझे कहते हो तो फोटो ही नहीं खींच रहा यार। भाई साहब यार, इस इंसान के 100 फोटो खींच दिए, 100 फोटो खींच दिए इस इंसान के, अब भी इसका बंडा नहीं भरा, कभी नहीं भरेगा तू, कभी नहीं भरेगा तेरा। यहाँ एक फोटो खींचे अच्छा सा यार, देखो भाई अब इसके फोटो खींचते हैं। तो अभी हम मंदिर के दर्शन के बाद बाहर निकल चुके हैं भाई। अद्भुत तरीके से मंदिर बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है, और अभी तो शाम हो चुकी है, और भी सुंदरता बढ़ चुकी है उसकी, देखिए पीछे से। सो देखिए स्वामी नारायण मंदिर के हमने आपको वीडियो में पूरे दर्शन कराए हैं, अभी भी देखिए रात का व्यू और भी सुंदर लग रहा है। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना तो ना भूले, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर। और ये जो लड़की है इसको हम जबरदस्ती कैमरे में लाते हैं अरे नहीं, और हम ना आपके लिए नई वीडियो बनाने वाले हैं, मतलब अच्छी जगह ट्रैवल करेंगे ये सोचा है हमने। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। थैंक यू। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।